हेलो एवरीवन, मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो अपन ने एनिमल हस्बेंड्री में इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद जो उसकी जनरल टर्मिनोलॉजी थी, सामान्य जो उसकी शब्दावली थी उसके बारे में पढ़ लिया। शब्दावली के बाद कौन से पशु की नाड़ी गति कितनी होती है, श्वसन दर कितनी होती है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया था इसका सिलेक्शन या वर्ण या चयन कैसे किया जाता है। तो अपन ने चयन की जो प्रणालियां थी वो पिछली क्लास में कंप्लीट बता दी थी। आज अपन बात करेंगे पशुओं की नस्लें। अलग अलग पशुओं की अलग अलग प्रकार की नस्लें होती है, उन नस्लों के बारे में अपन आज जानेंगे। जैसे गाय की नस्लें अलग होती है, भैंस की नस्लें अलग होती है, ठीक है, देसी नस्लें भी होती है, विदेशी नस्लें भी होती है, उन सभी नस्लों के बारे में आज अपन जानेंगे। तो लगातार आप बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। चलते हैं अब अपन आगे, देखिएगा। चलो आज अपन बात करते हैं नस्लों की। देखो नस्लें किसे कहते हैं, परिभाषा देखिएगा। सबसे पहले हाँ भैया, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह, मतलब एक ही वंश, जैसे गाय वंश हो गया या भैंस वंश हो गया या भेड़ वंश हो गया या बकरी वंश हो गया, ठीक है, जैसे मानव का वंश हो गया, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह है जो सामान्य दिखावट, बाहर से देखने में देखेंगे तो गाय गाय दिखेगी, गाय को भेड़ तो बोलने से रहा, सामान्य दिखावट, लक्षण, आकार, आकृति, उत्पादन एवं रंग के साथ साथ उत्पत्ति स्थान में भी समानता रखते हैं, ठीक है। किस किस में भैया, सामान्य दिखावट, लक्षण, आकार, आकृति, उत्पादन एवं रंग के साथ साथ उत्पत्ति स्थान में भी समानता रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नस्ल कहा जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं, क्लियर। तो नस्ल की डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि नस्ल किसे कहा जाता है। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं नस्लों की। सबसे पहले अपन नस्लों में पढ़ेंगे अपनी गाय को। गाय को पढ़ेंगे तो गाय का जनरल इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है कि गाय क्या होती है, गाय के बारे में क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। अपन ने वैसे तो जनरल जो इसका इंट्रोडक्शन था, जैसे गाय के समूह को क्या कहते हैं, प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं, वयस्क नर को क्या कहते हैं, प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं, प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पहले बता दी, ठीक है। अब अपन जनरल इसके बारे में देखते हैं। गाय, गाय को देखो मवेशी भी बोला जा सकता है, इंग्लिश में बोले तो इसको काओ, और मवेशी को बोला जाता है कैटल, ठीक है। गाय की जो फैमिली होती है, कौन सी गाय की फैमिली या कुल जिसको अपन कहते हैं, कौन से कुल से आती है, ये बोविडी कुल से आती है, भैंस भी इसी से आती है, भेड़ बकरी की बात करें वो भी तो इसी कुल से आती है, ठीक है। भारत में दो प्रकार की गाय पाई जाती है, दो प्रकार की, कौन सी, देसी और विदेशी, दो ही प्रकार होते हैं, देसी और विदेशी, क्लियर। देखिएगा देसी गाय, देसी या भारतीय गाय की बात करें या उसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है, बॉस इंडिकस। आपको देसी गाय दिख रही है, ठीक है। अब देखो इसका, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोजोम नंबर इन अपन बात करें तो जो अपनी जो देसी गाय है, देसी गाय में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है भैया, 58। 2n बराबर कितने होते हैं उसमें, 58 होते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। 58 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें, अपनी जो देसी गाय होती है उसमें। दूसरी अपन बात करें इसको अन्य नामों से, जैसे यूरोपीय देशों में इसको किस नाम से जाना जाता है, जेबू के नाम से। किस नाम से, जेबू के नाम से देसी गाय को जाना जाता है। अमेरिका में अगर बात करें तो टी कप काऊ के नाम से देसी गाय को जाना जाता है, अमेरिका में टी कप काऊ, और यूरोपीय देशों में इसको जेबू के नाम से जाना जाता है, बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा विशेषताओं की अपन बात करें, इसकी क्या क्या विशेषताएं, सुव्यवस्थित कुबड़। अब कुबड़ क्या होता है, अपन को ये भी तो दिक्कत है। तो देखो गाय, ये देसी गाय, देसी गाय का जो ये भाग है, ये थंब, ये भाग आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, इसको क्या बोला जाता है, जो ऊपर थुई होती है ना उसको अपन कुबड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कुबड़ कहते हैं, क्लियर। जो देसी गाय का जो सुव्यवस्थित कुबड़ पाया जाता है, इसमें कह सकते हैं ऊपर थंब निकला हुआ रहता है विशेषताओं में। दूसरी बात, गलकंबल, लटकता हुआ गलकंबल पाया जाता है। अब ये गलकंबल क्या होता है, देखिएगा आपको यहां गर्दन के पास पास का ये जो हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है, मुलायम लटकता हुआ और यूं हिलता डुलता हुआ जो गाय के नीचे का जो हिस्सा आता है
उसको क्या बोला जाता है? गलकम्बल बोला जाता है। क्या कहते हैं भैया? गलकम्बल। तो ये गलकम्बल क्या होता है? ऐसे आगे पीछे होता रहता है, मुलायम भाग होता है, ठीक है, लटकता हुआ रहता है, जो केवल देसी गायों की स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो गलकम्बल लटकता हुआ, और देसी तो देसी होता है, देसी गाय है तो मतलब उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा, कह सकते हैं अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। कौन सी गायों की अपेक्षा? विदेशी गायों की अपेक्षा। क्लियर? तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। देखो कुबड़ पहचान गए, इसको क्या कहा जाता है? कुबड़। क्या कहते हैं भैया? कुबड़, या इंग्लिश में बोले तो इसको थंब बोला जाता है, थंब, ठीक है भैया। और ये होता है गलकम्बल, इसको अपन क्या कहते हैं? गलकम्बल। ओके, बता सकते हैं आराम से, गलकम्बल और थुई, इसको अगर वैसे बोले तो थुई भी बोला जाता है, ठीक है। बता सकते हैं आराम से गाय के बारे में कि गाय में गलकम्बल क्या होता है और कुबड़ क्या होती है और थुई क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखिएगा विदेशी गाय। विदेशी गाय का नाम क्या होता है? बॉस टार्सस। अपन ने देसी गाय का नाम बता दिया था बॉस इंडिकस, इंडिया में है इसलिए इंडिकस, विदेश में है तो टॉर्सस, क्या कह सकते हैं? टॉर्सस। उसमें जो देसी गाय थी उसमें क्रोमोजोम नंबर कितने थे? 58 थे। और जो विदेशी गाय होती है उसमें क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं भैया? 60। अब देखो इसमें इसकी विशेषताओं की बात करें, कुबड़ रहित। यहां उन गायों में कुबड़ पाया जा रहा था, विदेशी गाय में कुबड़ नहीं पाया जाता, नहीं पाया जा रहा कुबड़, नहीं पाया जा रहा। सपाट फीट, फीट का मतलब देखो सीधी फीट है इसमें, है ना, बीच में कोई किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, सीधी फीट होती है, ठीक है, सपाट फीट। दूसरी बात, गलकम्बल का अभाव। अब इसमें देखिएगा, यहां जो लटकता हुआ भाग अपने उस गाय में दिखाई दे रहा था इसमें नहीं देता। यहां गले के नीचे, गलकम्बल का मतलब होता है गले के नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, वो विदेशी गायों में नहीं होता। मौसमी रोग अधिक होते हैं, मतलब इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता देसी गायों की अपेक्षा कम होती है। ओके, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी क्या होती है? कम होती है। बता सकते हैं आराम से, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम होती है, उसका जस्ट उल्टा होगा, उसमें थंब पाया जाता है, इसमें थंब नहीं पाया जाता, मतलब कुबड़ नहीं पाया जाता। दूसरी बात, उसमें गलकम्बल लटके हुए रहते हैं, इसमें गलकम्बलों का अभाव पाया जाता है, सपाट पीट होती, बिल्कुल स्ट्रेट पीट देती है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उसका नाम बॉस इंडिकस था, इसका नाम बॉस टॉर्सस है, ठीक है। उसमें क्रोमोजोम नंबर 58 थे, इसमें क्रोमोजोम नंबर 60 है, बता सकते हैं आराम से। देखिएगा आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो, ठीक है, करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गायों की 53 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें भैया? भारतीय गायों में 53 नस्लें पाई जाती है, अर्थात भारत में जो गायों की नस्लें हैं वो कितनी है? टोटल 53। और भारतीय गायों की नस्लें 53 हो गई, इसको जो अपन कह सकते हैं कि जो प्रमाणित करने का काम या नस्ल का जो दर्जा दिया जाता है, ठीक है, रजिस्टर्ड करने का जो कार्य किया जाता है, भारत में गाय की कुल 53 नस्लें पाई जाती है, ये अपन ने बता दिया। मान्यता कौन देता? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल, ठीक है। अर्थात किसी नई नस्ल को अगर मान्यता देनी है उसका कार्य कौन करता है? अपने, अगर ऐसे लिखे तो NBAGR, ऐसे भी पूछा जा सकता है। NBAGR की फुल फॉर्म ही आपको मैंने पहले भी बता दी थी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, ये कहां पे? अपना करनाल हरियाणा में। कहां पे भैया? तो अगर कोई भी नई नस्ल का उद्विकास किया जाता है या विकसित की जाती है तो उसको मान्यता देने का काम कौन करता है? भाई हाँ, ये वास्तव में नई नस्ल है, उसको मान्यता देने का जो कार्य करता है वो अपना कौन करता है? NBAGR करता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च करता है। तो बताया जा सकता है आराम से NBAGR के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भैया ये हो गया, ठीक है। तो टोटल भारत की जो भारतीय गायों की नस्लें हैं वो कितनी है भैया? 53 नस्लें पाई जाती है। कितनी? 53 नस्लें पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आगे देखो
20वीं पशुगणना, आपको पता है कि अभी तक 20वीं पशुगणना हुई है और 2019 में हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई पशुगणना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पशुगणना होती है वो 5 साल के अंतराल पर होती है। तो पहले अभी 2019 में हुई, इसके बाद कोई अभी तक पशुगणना नहीं हुई, ये स्कीम अब आएगी, क्योंकि आपको पशु परिचर बनाया जा रहा है ना, आपका ये तो कार्य रहेगा पशुगणना करने का, ठीक है। तो अब जो पशुगणना होगी वो 2024 में होगी, तो अपन डाटा पढ़ रहे हैं कौन से, 2019 वाले, क्योंकि पशुगणना 2019 में हुई थी, अभी तक पशुगणना हुई नहीं है। तो देखिएगा, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल गायों की संख्या 192.49 मिलियन और 1 मिलियन बराबर आपको पता है कितना होता है, इतना तो वो नहीं हो आप बिल्कुल ही बता सकते हो, 1 मिलियन बराबर तो कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, इन चीजों का तो आपको अच्छी तरीके से पता हो गई, ठीक है। तो भैया भारत की अगर बात करें तो भारत में कितनी नस्लें पाई जाती है, 192.49 मिलियन गायें पाई जाती है टोटल भारत में, जिनमें से बात करें तो देसी गायें पाई जाती है अपने 142.11 मिलियन और विदेशी व संकर नस्लों की बात करें तो बाकी कितनी बच गई, 50.42 मिलियन जो गायें होती है वो अपने विदेशी और संकर गायें पाई जाती है, देसी गायें अपने 142.11 मिलियन पाई जाती है, बता सकते हैं आराम से। सर्वाधिक गाय भारत में, अगर सर्वाधिक गायों की बात करें, भारत में सर्वाधिक गाय तो कहां पाई जाती है भैया, पश्चिम बंगाल में, कहां पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, ओके बता सकते हैं, सबसे ज्यादा जो गाय होती है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। राजस्थान का गाय पालन में अगर स्थान पूछ लिया जाए आपको, तो राजस्थान का गाय पालन में स्थान कौन सा है भैया, बता सकते हो आप सारे, कौन सा स्थान है, छठवा। पहला तो किसका आ गया, पहला तो अपने पश्चिम बंगाल का आ गया ना, क्योंकि सबसे ज्यादा गाय वहीं पाली जाती है, अपने राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, छठवा स्थान आता है, किसमें, गाय पालन में, ओके। अब आपको पूछ लिया जाए कि भैया राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय, राजस्थान में देखो स्थिति की बात करें, राजस्थान में कुल गायें कितनी पाई जाती है, 13.9 मिलियन, राजस्थान में कुल गायें कितनी है, 13.9 मिलियन, ये मैंने बता दिया। गाय पालन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, छठवा। राजस्थान में गाय पालन का स्थान कौन सा है भैया, छठवा। राजस्थान में सर्वाधिक गायें अपने कहां पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, अर्थात राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा गाय पालन पूछ लिया जाए तो बीकानेर में, और भारत में अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और भारत में राजस्थान का गाय पालन में जो स्थान आता है वो छठवा आता है। बीकानेर में कितनी गाय पाई जाती है भैया, 1.19 मिलियन जो गायें हैं वो अपने बीकानेर में पाली जाती है, क्लियर। ये 2019-20वीं पशुगणना के आंकड़े, अब जो 21वीं पशुगणना होगी वो कब होगी भैया, 2024 में, क्लियर। आगे देखिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं नस्लों की। देखो नस्लें 3 प्रकार की अपन ने बता रखी है, देसी और विदेशी अपन ने पढ़ ली। अब 3 प्रकार की नस्लें अपन कैसे बताते हैं, एक तो होगी दुधारू, कौन सी, दुधारू जो दूध देने वाली, ठीक है। एक होगी भारवाही जो विभिन्न कर्षण कार्यों में या फिर उसको वजन ढोने के लिए काम में लिया जाता है। तीसरी आ जाती है द्वि प्रयोजनीय, या इसको कहा जाता है द्विकाजी नस्ल, क्या कहा जाता है, द्विकाजी नस्ल, अर्थात जो ड्यूल पर्पज के लिए काम में ली जाती है, अर्थात दूध के लिए भी काम में लिया जा सकता है और उसको कर्षण कार्यों में या कृषि कार्यों में या भार ढोने के लिए भी काम में लिया जाता है, ऐसी नस्ल को अपन द्विकाजी या द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं, क्लियर। देखिएगा अपन अब इनकी जो अपनी भारतीय नस्लें हैं उनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। देखो इनके वर्गीकरण की अपन बात करें तो अपने सबसे पहले दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लों की देखो आपको ट्रिक बता देता हूं, सीसा गिरा दे, आपको क्या करना है, सीसा गिराना है, ठीक है। सी का मतलब यहां पे दे रखा है भैया सिंधी, ये सिंधी है, कौन सी है, सिंधी, सिंगी नहीं है, सिंधी है, ठीक है। दूसरी अपने सा से यहां पे आ जाएगा साहिवाल, कौन सा आ जाएगा, साहिवाल। गी से यहां पे अपने आ जाएगा गिर, कौन सा आ जाएगा, गिर। रा से अपने यहां पे आ जाएगा राठी, और देवनी से यहां पे दे से आ जाएगा अपनी
देवनी। तो आपको दुधारू नस्लें तो डायरेक्ट याद हो जाएगी, आपको क्या करना है शीशे को गिराना है, ठीक है शीशा गिरा दे। शीशे सिंधी, सा से साहिवाल, गी से गिर, और रा से राठी, और दे से देवनी। तो आपको शीशा गिराना है और कुछ भी नहीं करना है, शीशा गिरा दोगे तो आपकी सारी दुधारू नस्लें आ जाएगी। क्लियर? चलो भैया ये तो हो गई अपनी दुधारू नस्लें। फिर बात करें भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों में देखो पहली आती है नागौरी, दूसरी मालवी, तीसरी अमृत महल, चौथी खिलारी, पांचवी बचौर, छठवी हल्लीकर, सातवीं कंगायम, और आठवीं खेरीगढ़, नौवीं पवार, और दसवीं बरगूर, और ग्यारहवीं केनकथा, और बारहवीं गंगात्री। कौन सी होती है? गंगोत्री या गंगात्री। ये भार ढोने के काम में ली जाती है, इनको दूध उत्पादन के लिए बहुत ही कम काम में लिया जाता है, क्योंकि नागौरी जो नस्ल होती है उसके बैल सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले होते हैं। दूसरी बात, इधर अपन देखो इनमें स्पेशलिटी की बात करें तो जो अपनी साहिवाल होती है उसका दूध सबसे मीठा होता है, बिल्कुल चीनी के जैसा दूध, अर्थात इसमें जो लैक्टोज शर्करा होती है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे मीठा दूध होता है, और देसी गायों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भी इसी का होता है। क्लियर? तो ये होगी अपनी भार ढोने वाली, मतलब इनको वजन ढोने या विभिन्न प्रकार के कर्षण कार्यों में इनके बैलों का प्रयोग किया जाता है। आगे आती है द्विकाजी नस्लें, ड्यूल पर्पज या ड्यूल ब्रीड्स, है ना। द्विकाजी नस्लों की बात करें, ड्यूल पर्पज वाले की बात करें, तो भैया इनमें पहले अपने थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा, राट, डांगी, मेवाती, अंगोल, नीमड़ी, पंगानूर, देवली, गालाव और कृष्णाघाटी, ये अपनी ड्यूल पर्पज वाली नस्लें होती है। इनको दूध उत्पादन के लिए भी और विभिन्न कर्षण कार्यों के लिए भी इनको पाला जाता है। क्लियर बता सकते हैं? तो अपनी जो भारतीय नस्लें होती है उनको अपन कितने भागों में बांट देते हैं? तीन भागों में। पहला मिल्क, है ना, ये तो दुधारू नस्लें हो गई, और ये भारवाही नस्लें हो गई, और ये द्विकाजी नस्लें होगी। तो अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर? समझ में आ गई होगी ना, भारवाही किसको कहते हैं? जो वजन ढोने के लिए विभिन्न कर्षण कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाता। आगे बात करते हैं, देखिएगा अपन, हाँ भैया ये आ जाती विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों की भी बात कर लेते हैं, अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ के अपन एक बार इनका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कौन सी नस्ल कहाँ की है। तो देखो एक तो आती है ब्राउन स्विस, जिसका उत्पत्ति स्थान, ये क्या दे रखा है इनका उत्पत्ति स्थान, कहाँ की है भैया ये? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी आती है जर्सी, जर्सी का जर्सी द्वीप समूह है, जर्सी द्वीप समूह इसका उत्पत्ति स्थान होता है। फिर होती है एच एफ, होलिस्टीन फ्रीजन, हॉलैंड की है। सर्वाधिक दूध उत्पादन, विश्व में अगर सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली गाय है तो वो कौन सी है? अपन घर पे कहते हैं ना ज्यादातर होलिस्टर गाय है, होलिस्टीन फ्रीजियन, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन। उसके बाद आ जाती है रेडडेन, रेडडेन का जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन पैलेस है, वो कौन सा? डेनमार्क। कौन सा है भैया? डेनमार्क। फिर बात करें अपन आयरशायर, आयरशायर की बात करें तो आयरशायर का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा? स्कॉटलैंड। कौन सा है भैया? स्कॉटलैंड। शॉर्ट हॉर्न की बात करें तो इसका इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। फिर बच गया कौन सा? गर्नसी। गर्नसी की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो गर्नसी द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये हो गए विदेशी नस्लों के बारे में। विदेशी नस्लें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले अपन ने बताया ब्राउन स्विस हो गई, ब्राउन स्विस के बाद जर्सी हो गई, जर्सी के बाद एचएफ हो गई, एचएफ के बाद रेडडेन हो गई, रेडडेन के बाद आयरशायर हो गई, उसके बाद शॉर्ट हॉर्न हो गई, और गर्नसी नस्ल हो गई, ठीक है। लगभग तो नाम से पता चल रहा है कि कहां से आई हुई है, ठीक है। चलो भैया ये हो गई अपनी विदेशी नस्लें, अब अपन आ जाते हैं अपनी देसी नस्लों में। देसी नस्लों में अपन सबसे पहले बात करेंगे अपनी साहिवाल की। किसकी बात करेंगे? साहिवाल की बात करेंगे। साहिवाल की बात करें तो भैया साहिवाल के देखो इसको कहां से विकसित किया गया है? आई ए आर आई। कहां से विकसित किया गया है? आई ए आर आई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित किया गया, नई दिल्ली से इसको विकसित किया गया। भैया आपको अच्छी तरीके से पिक्चर में दिख रही है साहिवाल, साहिवाल साही गाय है ना, मतलब दूध अच्छा देती है ना। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, मतलब ये ओरिजिन पैलेस की अगर बात करें, इसका जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मॉन्टमोगरी जिला पाकिस्तान, मॉन्टमोगरी जिला पाकिस्तान से इसका उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये कहां उत्पन्न हुई थी? मॉन्टमोगरी पाकिस्तान से ये उत्पन्न हुई है। देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देती है भैया कौन सी? ये जेट 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है क्योंकि लैक्टोज की अधिकता पाई जाती है, ठीक है।
मैंने बता दिया सबसे ज्यादा मीठा दूध कौन सी नस्ल का भैया, साहीवाल का होता है। कौन सी नस्ल का, साहीवाल का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको देखो साहीवाल दिख रही है, जो देसी नस्ल है, थंब पाया जा रहा है, गलकंबल लटका हुआ दिखाई दे रहा है, दूध भी सबसे ज्यादा होता है। आयनों से पता चल जाता है कि पशु का दूध ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। तो आयन देखकर भी अपन बता सकते हैं कि अच्छा दूध देने वाली है। तो ये जो नस्ल है वो कौन सी है, साहीवाल। कौन सी है भैया, साहीवाल। तो साहीवाल को देखकर आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि यह नस्ल साहीवाल होती है। इसके सिंग बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। यह सिंग रोदन की क्रिया भी कर दी जाती है इस नस्ल में, तो सिंग उगते भी नहीं है। सिंग रोदन की क्रिया अपन ने अच्छे तरीके से बता रखी है, आपको क्या होती है और आगे भी बता देंगे। देखो आगे, डेयरी फार्म हेतु ये क्या होती है, सर्वोत्तम नस्ल होती है। डेयरी फार्म हेतु अगर देसी नस्लों में पूछी जाए तो सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है अपनी, बात करें तो साहीवाल, ठीक है। दूसरी अपन बात करें ढीली त्वचा के कारण इसको, देखो इसकी स्किन आपको देखी नहीं, अभी आपने देखी होगी, इसकी बिल्कुल ढीली होती है ना त्वचा, बिल्कुल लटकी हुई सी त्वचा होती है। इस कारण इसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, ढीली त्वचा के कारण इसको अन्य नाम इसका होता है लोला, इसको लोला के नाम से भी जाना जाता है, लोला नस्ल भी इसको कहा जाता है। तो आपको पूछ ले साहीवाल नस्ल का अन्य नाम होता है लोला, क्या नाम होता है भैया, लोला, ठीक है। ढीली त्वचा के कारण इसको लोला के नाम से जाना जाता है, मुल्तानी भी इसका उपनाम होता है, ठीक है। इसके देखो सिंग मैंने बताया आपको छोटे होते हैं, रंग लाल व कथई रंग होता है, लाल या कथई रंग अपन जानते हैं, ठीक है। औसत दूध उत्पादन की बात करें तो इसका जो प्रति व्यात 2000 से 2500 लीटर प्रति व्यात, व्यात इसका क्या होता है भैया, दूध उत्पादन होता है, ठीक है। इतना दूध तो ये प्रति व्यात में देती है। दूसरी अपन बात करें औसत दूध उत्पादन के बाद इसमें वसा, देखो इसमें अगर वसा की बात करें तो 4.5% अर्थात फैट है। अपन कहते हैं ना दूध बेचने वाले तो बस फैट ही देखते हैं, वसा, ठीक है, घी जिसको अपन कह सकते हैं, तो फैट सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, कितने होता है 4.5%। लैक्टोज की मात्रा की बात करें तो इसमें 5.2% क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। अर्थात सबसे जो मीठा दूध होता है वो कौन सी गाय का होता है, लैक्टोज शर्करा अधिक पाए जाने के कारण अपनी साहीवाल का सबसे मीठा दूध होता है। बता सकते हैं आराम से साहीवाल के बारे में, साहीवाल क्या होती है। आगे देखिएगा, आगे आ जाती है अपने गिर। कौन सी आ जाती है भैया, गिर। देखो गिर आपको अच्छी तरीके से दिख रही है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, सींगों का फर्क है और शरीर का फर्क है। इसकी टाइट स्किन है, उसकी स्किन कैसी थी, ढीली ढाली थी, ठीक है, इसलिए उसको लोला नाम से जाना जा रहा था। गिर की बात करें तो देखिएगा गिर का उत्पत्ति स्थान, गिर का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ के गिर के जंगल गुजरात, ठीक है। काठियावाड़ के जो गिर जंगल है वहां से इसका उद्विकास हुआ है, वहां से इसको लाया गया, ठीक है, वहां पे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अन्य नाम, इसको रैंडी के नाम से, महामान के नाम से, अजमेरा और सूरती, डेकन, काठियावाड़ी और ढेलान के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम क्या है, रैंडी, महामान, अजमेरा, सूरती, डेकन, काठियावाड़ी और ढेलान के नाम से इसको जाना जाता है। बता सकते हैं, क्योंकि ये नस्ल अजमेरी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अजमेर वाले भिलवाड़ा वाले क्षेत्र में ये काफी ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, अजमेर और भिलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये अजमेर में और भिलवाड़ा क्षेत्र में नस्ल पाई जाती है। ओके, देखिएगा आगे अपन बात करते हैं इसकी, इसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटकते हुए देख लीजिएगा भैया, इसके कान पेड़ के पत्तों की तरह आपको लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी नस्ल है अपनी, गिर, ठीक है। इसके कान की तरह कान है वो पेड़ के पत्तों की तरह लटकते हुए दिखाई देते हैं। आगे अपन बात करते हैं दूसरी इसकी विशेषता, देखिएगा इसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटकते हुए रहते हैं। राजस्थान में इसको रेंडी के नाम से भी जाना जाता है, अपन ने बता दिया। इसका ललाट आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, मतलब आगे की तरफ देखो निकला हुआ दिखेगा आपको, दिखा देते हैं, देखो आगे की तरफ इसका ललाट निकला हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल है ना, चौड़ा माथा इसका दिखाई देता है। दूसरी बात करें वक्र सींग एवं लंबे लटके हुए घुमावदार कान होते हैं, ठीक है। कान तो अपन ने वैसे पढ़ लिए, पत्ते के समान कान होते हैं, घुमावदार सींग हो जाएंगे इसके, ठीक है। देखो ये रहे, ये तो दूसरी आ गई इसके बारे में, ये देखो घुमावदार सींग भी है और कान भी इसके घूम जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। आगे देखिएगा इस नस्ल की मुख्य विशेषताएं होगी, रंग इसका लाल होता है, सफेदी जिस पर काले कतई धब्बे, भारी सुडौल शरीर व
ललाट होता है, ललाट इसका बड़ा होता है, भारी शरीर होता है, सुडोल होता है, मतलब बिल्कुल एकदम फिट शरीर होता है इस गाय का। ओके, बता सकते हैं आराम से। आगे देखिएगा, औसत दूध उत्पादन की बात करें, उसका 2000 से 2500 लीटर था, इसका 1500 से 1800 लीटर दूध उत्पादन होता है। वसा की बात करें तो वसा इसमें भी कितनी पाई जाती है, 4.5% इसमें वसा पाई जाती है इसके दूध में, ठीक है, दूध में पाई जाती है वसा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगली जो नस्ल है अपनी, सिंधी। कौन सी है भैया? सिंधी। देखो सिंधी की अगर अपन बात करें, अपन ये पढ़ा पहले सीसा गिरा दे तो अपन इन्हीं को पूरा कर लेते हैं। सिंधी आपको दिख रही है, सिंधी गाय कैसी है देख लीजिएगा, गायों में फर्क दिख रहा है आपको सबको। देखो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कराची या हैदराबाद, सिंध प्रांत माना जाता है, ठीक है। सिंध प्रांत कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है, कराची, ठीक है, पाकिस्तान में, हैदराबाद सिंध प्रांत माना जाता है। इसका जो रंग होता है वो लाल भूरा रंग होता है, देख लीजिएगा, हल्का लाल भूरा रंग होता है, ईंट के समान इसका रंग अपन बता सकते हैं, ठीक है भैया। दूसरा, चेहरे के भाव से चतुर या होशियार दिखाई देती है। चेहरे के भाव दिख रहे हैं क्या? चतुर या होशियार है ना, आंखें थोड़ी सी मैला के ऐसे ना, ऐसे देखती है जैसे किसी को मारने वाली है ना, चतुर या होशियार दिखाई देती है। इसका जो औसत दूध उत्पादन होता है वो 1600 से 1800 लीटर प्रति ब्याते होता है। भाई एक बार ब्याने के बाद कितना दूध देती है? 1600 से 1800 लीटर देती है। हाँ, वसा इसमें खूब पाई जाती है भैया। वसा कितनी पाई जाती है इसमें? 4.8%। अगर देसी गायों में जनरली बात करें तो 4.5% होती है, लेकिन इसके दूध में जो वसा होती है वो 4.8% होती है। क्लियर? आगे देखिएगा हरियाणा। हरियाणा की अपन बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है भैया? रोहतक। रोहतक जिला कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। राजस्थान में हरियाणा से लगे क्षेत्र, जैसे अपने हरियाणा के पास के क्षेत्र आ गए, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, इनमें ये नस्ल पाई जाती। इसका रंग सफेद व हल्का भूरा, देख लीजिएगा, रंग सफेद भी है और कभी कभी थोड़ा थोड़ा हल्का भूरा भी हो जाता है। सर्वाधिक द्विकाजी नस्ल है ये। क्या है भैया? सबसे अच्छी अपन कह सकते हैं द्विकाजी नस्ल है, ड्यूल पर्पज वाली नस्ल है। बैलों के रूप में या कृषण कार्यों के रूप में इसका प्रयोग कर लीजिएगा, चाहे आप इसका प्रयोग दूध के लिए भी कर लीजिएगा। सिंगों के मध्य की हड्डी लिए हुई होती है, देखो सिंगों के मध्य एक हड्डी ली हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रही हड्डी दिख रही है आपको, ये वाला स्थान बीच के मध्य एक यूं लेयर सी होती है इसके, जो हड्डी लिए हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए, ललाट पर कुमार लिए हुए तथा पूंछ के अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। गालों पर देखिएगा, ये देखो पूंछ इसकी दिख नहीं रही, कट गई, इसमें पूंछ होती है, पूंछ में काले बालों का गुच्छा पाया जाता है और ललाट पे भी यहाँ पे काला गुच्छा पाया जाता है, ठीक है। बता सकते हैं, उभरे हुए तथा पूंछ के अंतिम पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। औसत दूध उत्पादन की अगर बात करें तो इसका 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत होता है। वसा की मात्रा वही 4.5% होती है। इसकी बेल गाड़ी खींचने में अच्छे माने जाते हैं, मतलब बताया ना अपन ने, भार ढोने के लिए सबसे अच्छे बेल इसी के पाए जाते हैं। बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे बढ़िया बेल होते हैं इसके। ओके, आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कांकरेज। ये देखो कांकरेज नस्ल दिख रही है आपको, कांकरेज, इसके बेल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, मतलब दो बेल एक साथ चलते हैं, एक ही गाड़ी में दो बैल चलते हैं, इसलिए उनको सवाई चाल कहते हैं, ठीक है, सवाई चाल। कांकरेज उत्पत्ति स्थान कच्छ क्षेत्र, गुजरात, ठीक है। कहाँ हुआ इसका उत्पत्ति कहाँ हुई है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। अन्य नाम इसका बनियार या सांचोरी के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे भारी नस्ल है, इंपॉर्टेंट कर देना भैया, सबसे भारी नस्ल कौन सी अपनी? कांकरेज, देसी गायों में सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। अब देखो सबसे लंबे एवं भारी सींग होते हैं। सींग देखिएगा इसके भैया, अजीब ही दिखते हैं ना, डरावने से सींग दिखते हैं, डर जाते हैं इनके सींगों को देखकर। तो सबसे लंबे एवं भारी सींग होते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं, देखिएगा सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। सवाई चाल मैंने बता दिया आपको, सवाई चाल क्या होता है अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। ओके चलो भाई, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है सबसे तेज चलने वाली नस्ल। दूसरी चीज, तेज दौड़ने वाली नहीं है, तेज चलने वाली। तेज दौड़ने वाले बैल तो नागौरी होते हैं सबसे ज्यादा, है ना, नागौरी बैल दौड़ते हैं, लेकिन अगर चलने में बात करें तो सबसे ज्यादा तेज चलती ही है, इसलिए इसको बैलगाड़ी में जोता जाता है और दो बैलों को एक साथ जोता जाता है। क्लियर? चलो ये बात होगी इसके बारे में। दूसरी, रंग अपन ने बता दिया सिल्वर ग्रे, देखो ये रंग स्लेटी के समान, ना धोलार ना
काला, दूसरी बात आंखों का ऊपरी जो ऊपरी भाग है वो काला होता है। ऊपरी भाग देखिएगा, ये ऊपरी भाग की बात करें तो काला, आंखों का ऊपरी भाग ये काला होता है, ठीक है। दूसरी इसकी बात करें, भारत की प्रमुख भारवाक नस्ल है, बता सकते हैं आराम से, राजस्थान में जालौर, इसलिए इसको सांचौरी कहा जाता है ना, सांचौर जालौर में ना पाली सिरोही जिलों में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? जालौर पाली और सिरोही जिलों में ये नस्ल पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात करें इसकी अपन, सिंह अधिक लंबे होने के कारण हॉर्न कैंसर, सिंगों का कैंसर होता है 90%, ठीक है। इनमें क्या होता है, सिंग काफी लंबे होते हैं तो इनमें सिंगों का कैंसर होने का डर काफी ज्यादा होता है और 90% गायों में सिंगों का कैंसर हो जाता है, इसलिए इनमें सिंग रोधन की क्रिया करना बहुत है जरूरी होता है। कौन सी क्रिया की जाती है भैया? सिंग रोधन की क्रिया इसमें की जाती है, ओके। औसत दूध उत्पादन की बात करें तो भैया औसत दूध उत्पादन कितना होता है? 1100 से 1400 लीटर प्रति व्यात होता है। वसा की अगर बात करें तो 4.5 से 5.5% में क्या पाई जाती है भैया? वसा पाई जाती है, 4.5 से लेकर 5.5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो अच्छे तरीके से बता सकते हैं अपन ने कौन कौन सी नस्लें पढ़ी भैया? साहीवाल अपन ने पढ़ ली, गिर अपन ने पढ़ ली, सिंधी अपन ने पढ़ ली, और अपन ने हरियाणा पढ़ ली, और अपन ने इसके अलावा कौन सी पढ़ ली? कांकरेज पढ़ ली भैया, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। इन नस्लों के बारे में अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सबसे पहले साहिवाल पढ़ा, फिर गिर पढ़ा, फिर सिंधी पढ़ा, उसके बाद हरियाणा पढ़ ली, और लास्ट में अपन ने कांकरेज पढ़ ली। तो अच्छी तरीके से बताया जा सकता है कि इसके बारे में क्या क्या होता है, क्लियर। तो ये आपने 5 नस्लें गायों की कंप्लीट कर ली, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे इसी जॉस और जुनून के साथ, तो लगातार आप बने रहिएगा मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।